अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कर्दू और हम मौजूद हैं स्कर्दू व्यू पॉइंट होटल। आज का हमारा जो सफ़र है वो है मसरूर रॉक। मसरूर रॉक स्कर्दू से तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट तक का रास्ता है, जहाँ जब हम जाके पहुँचते हैं हुसैनाबाद और वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। मैं खुद गया नहीं हूँ, पहली दफ़ा जा रहा हूँ, सुना है कि बड़ा हार्ड ट्रैक है। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ भाई, रास्ते से हम लेंगे हसनैन को और काजिम भाई को। अभी हमारा जो सफ़र का आगाज़ हो रहा है स्कर्दू सिटी से, बेनज़ीर चौक से थोड़ा सा ऊपर ये स्कर्दू व्यू पॉइंट होटल है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने सफ़र को और इस हार्ड जो हाइकिंग है उसका एक्सपीरियंस आप कराते हैं। बहुत ही मज़े की जगह है, पिक्चर्स में अक्सर आपने देखा होगा एक नोकीला पत्थर जहाँ से होके पूरे स्कर्दू का व्यू आता है, दूसरी तरफ शिखर का व्यू होता है, कोल्ड डेजर्ट का व्यू होता है। बहुत ही मज़े की जगह है लेकिन ट्रैक बहुत हार्ड है। तो शुरू करते हैं अपने सफ़र को, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं यहाँ से। और ये पीछे हमारी गाड़ी है जिस पर हम हुसैनाबाद जाएंगे और वहाँ से अपना पैदल ट्रैक स्टार्ट करेंगे। चलते हैं अभी बाकी दोस्तों को पिक करने, उससे पहले बाज़ार से कुछ सामान लेंगे जो मेरे रास्ते में हाइकिंग में काम आएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने सफ़र को। गाड़ी हमारी तैयार है जी और चलते हैं जी हम अपने सफ़र की तरफ। आसिफ भाई जी अपने ऑरेंज बैग के साथ तैयार हैं और चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। अभी हम बाज़ार में रुके हैं जी एक जगह, आसिफ भाई ले रहे हैं सनब्लॉक अपने लिए क्योंकि शदीद धूप है आज स्कर्दू में और रास्ते में हम वहाँ जाएंगे और तकरीबन 3 से 4 घंटे फुल सन एक्सपोजर में हमने रहना है, तो स्किन बर्न होने का ख़तरा है। तो आसिफ भाई जो है वो अपनी स्किन की केयर करते हुए यहाँ से सनब्लॉक लेंगे जो डेफ़िनेटली हम सब के काम आएगा, और उसके बाद हम जाएँगे ड्राई फ्रूट्स लेंगे। कुछ सामान हमने ले लिया जी, कुछ ड्राई फ्रूट, पानी की बॉटल, सन ब्लॉक, कुछ चॉकलेट्स जो हमें रास्ते में काम आएंगी। और अभी हम निकल रहे हैं मसरूर रॉक। ये पहुंच गए जी हम हसनैन के घर हसनैन को पिक करने के लिए। चलो भाई मोटू आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, लेट हो गए हम। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे सबसे सेहतमंद बंदा पहुँच गया और आज है हमारा मुकाबला कि कौन सबसे पहले और अच्छी हाइकिंग करेगा, और जो बंदा हार गया, जो सबसे पीछे रह गया और जो कमज़ोर रह गया या जो ऊपर नहीं पहुंच पाया, वो आज हम सबको खाना खिलाएगा, चार बंदों को। अभी आगे से हम काजिम भाई को भी पिक करेंगे। चलें जी, सफ़र हमारा शुरू हो गया है। स्कर्दू शहर से हम निकलने वाले हैं। ये हसनैन भाई, काजिम भाई और ये आसिफ साहब हमारे पायलट। और शहर से इस वक्त हम बिल्कुल एग्जिट करने लगे हैं, हम जाएंगे शिगर की तरफ जो रोड जाता है उस तरफ, और तकरीबन 40 से 45 मिनट की ड्राइव है जो हुसैनाबाद ब्रोक हमें पहुंचाएगी। ब्रोक बेसिकली बलती ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मेडोज, लश ग्रीन मेडोज़, और वाकई बड़ी खूबसूरत वो जगह है हुसैनाबाद ब्रोक। बजाते खुद भी 2-3 दफ़ा मैं ब्रोक तक तो गया हूँ लेकिन वहाँ से आगे आज तक जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि जब भी गया हूँ वहाँ पे लोगों ने बड़ा डराया कि यार बहुत मुश्किल ट्रैक है, 3-4 घंटे लगते हैं। तो आज देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें, और हसनैन हमारे साथ है तो हमें यकीन है कि शायद हम 2 घंटे में पहुँच जाएँ। हुसैनाबाद गांव, और यहां से भी हम राइट टर्न करेंगे ऊपर। ये हुसैनाबाद ब्रोक की तरफ ऊपर टर्न करके, बिल्कुल थोड़ी सी तंग रोड है लेकिन पक्की रोड है बिल्कुल, और ये एंड तक पक्की है, थोड़ा सा आखिरी का जो पार्ट है वो कच्चा है, लेकिन ऐसा है कि आराम से कार वगैरह भी जा सकती है। बहुत ही खूबसूरत पगडंडी टाइप छोटी सी सड़क है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, गांव के बीचों बीच से होती जा रही है। दोनों तरफ आपको इस मौसम में ऑटम से भरपूर ट्रीज मिलेंगे, और अभी सूरज बिल्कुल हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन पे है इसलिए किसी किसी टाइम वीडियो बिल्कुल ब्लर हो जाती है, लेकिन माहौल जो है वो आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत है इस हुसैनाबाद ब्लॉक जाने का। रास्ते में जब आप पहुँचते हैं तो आपकी लेफ़्ट साइड पर ये सामने
शिगर कोल्ड डेजर्ट का आपको व्यू नज़र आता है। जो व्यू आपको मोटर ग्लाइडिंग से नज़र आता है वो व्यू आपको यहाँ से हुसैनाबाद ब्रोक से होके पूरा कोल्ड डेजर्ट यहाँ से आपको अपने लेफ्ट में नज़र आता है, साथ में इंडस रिवर का हसीन नज़ारा। ये रास्ते में आता है जी एक बड़ा ही खूबसूरत रिजॉर्ट, इसका नाम है ब्रोक रिजॉर्ट, जहाँ से होके पूरा आपको कोल्ड डेजर्ट का व्यू आता है। और यहाँ से हुसैनाबाद ब्रोक का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है, ऊपर छोटा सा गांव है, उस गांव तक गाड़ी जाती है, वहाँ पे हम गाड़ी लगाएंगे और उससे आगे फिर पैदल का रास्ता है। यहाँ पे एक निशान लगा हुआ था पत्थर के ऊपर, आपने भी देखा होगा, जहाँ पे लिखा हुआ है मसरूर रॉक 4 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर का ऑलमोस्ट जो ट्रैक है। ये सामने जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है इसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो मसरूर रॉक है, और ये सामने गाँव है, इस गाँव में हम गाड़ी लगाएंगे और वहाँ से आगे पैदल जाएंगे। चलें जी, पहुंच गए हम जीप स्टॉप तक, यहाँ तक गाड़ी रोक के यहाँ से हम अपना पैदल ट्रैक स्टार्ट करेंगे। अपने अपने बैकपैक्स रेडी करें, आसिफ भाई अपना बैकपैक निकालें, ड्राई फ्रूट डालें उसमें, और मैं ये पानी की बॉटल्स वगैरह अपने बैग में डालता हूँ, एक एक दो दो बॉटल्स, और साथ में कुछ फ्रूट है, सेब है, ये दो बॉटल्स मैंने अपने बैग में डाली हैं, एक चॉकलेट ये भी मैं अपने बैग में रखता हूँ, और बाकी ये सेब ये रख लेते हैं, और बाकी ये जो कचरा वगैरह है यहाँ पे हमने इसको उठाना है, और हसनैन भाई ये कचरा वगैरह उठाएं सारा, और ये अपने पास रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पकड़ें ज़रा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पकड़ो, इसमें से सन ब्लॉक निकालो, सन ब्लॉक निकालो। चले आसिफ भाई पानी ये खोलें, ये खोलें, सन ब्लॉक लगाएं, और भाई सन ब्लॉक से हाँ यार तुम्हें तो कुछ नहीं होते, बस आज जो है ये हसनैन मेरे मत्थे लग गया, इसको आज लेके जाना है, ऊपर पहुँचाना है। हमने पैदल चलना शुरू कर दिया है, बहुत सख्त धूप है इसलिए सन ब्लॉक थोड़ा ज़्यादा लगा लिया, तो बहुत दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट लग रही है। यहाँ पे एक छोटा सा गेट है, वहाँ पे एंट्री का टिकट लेना पड़ता है, टिकट लेके फिर यहाँ से आप ऊपर मसरूर रॉक के ट्रैक पे जा रहे हैं। ये पीछे मेरे जो आपको गांव नज़र आ रहा है ये है हुसैनाबाद ब्रोक गांव, और इसको बोलते हैं हुसैनाबाद ब्रोक, और यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ होगा पैदल। ये है जी जहाँ से आपने पहला कदम स्टार्ट करना है मसरूर रॉक के लिए, ये सामने तस्वीर बना हुआ है जिस जगह आपने जाना है उस पत्थर की, मसरूर रॉक की, और वो सामने आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कोल्ड डेजर्ट का एरिया जहाँ से हम आए। साथी हमारे आगे जा रहे हैं आसिफ भाई लीड करते हुए, काजिम साहब तो बिल्कुल गायब ही हो गए हमें छोड़ के, और उसके बीच में हसनैन सेहतमंद आदमी, और सबसे आखिर में मैं सबसे कमज़ोर आदमी। सफ़र के आगाज़ में ही हमारे हसनैन भाई की हालत जो है वो पतली हो गई है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं, हालांकि अभी हमने बिल्कुल सीधा सीधा जो सफ़र है वो स्टार्ट किया है। जो मुश्किल हार्ड ट्रैक है रॉक्स के ऊपर से जाना है, और बहुत ज़्यादा जो स्टीप है वो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, जस्ट अभी हमें 10 से 15 मिनट हुए अपना सफ़र स्टार्ट किए हुए, और हसनैन भाई की हालत जो है वो बिल्कुल पतली हो गई है। मेरी जिम्मेदारी लगी है आज हसनैन भाई को साथ ऊपर पहुंचाने की, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल जिम्मेदारी मैंने ले ली है। आसिफ भाई और काजिम भाई दोनों क्योंकि लोकल्स हैं, भागते हुए जो है वो अभी वो बिल्कुल जहाँ से हार्ड रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट होनी है वहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, और हम काफ़ी पीछे रह गए जी हसनैन। हम इरादा किया अब कि इसको यहीं पे छोड़ें और हम अपना सफ़र जारी रखें, क्योंकि अगर उसका इंतज़ार करेंगे तो हमें भी पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। तो जी ये स्टार्ट होगी हमारी असल
क्लाइंबिंग की जो जगह है जहाँ से टोटल रॉक स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आगे कोई घास नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, टोटल पत्थर हैं, टीले हैं और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ये आप देख रहे हैं, ये वाली पूरी पहाड़ी हमने चढ़नी है, बिल्कुल स्टीप है और यहाँ कोने तक जाके फिर यहाँ से राइट हैंड दूसरी तरफ होना हमने। सच ही पूछे तो थक गया हूँ और डर भी है कि क्या पता कितना मुश्किल रास्ता होगा, क्योंकि जो स्टार्ट हुआ है इंतहाई मुश्किल रास्ता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट 60-65 डिग्री का एंगल के ऊपर हम ऊपर जा रहे हैं, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा हो। और आहिस्ता आहिस्ता जूँ जूँ ऊपर जा रहे हैं ये चढ़ाई मज़ीद सख्त होती जा रही है। ओह माय गॉड, यहाँ पे पहुँच के ये चढ़ाई जो है मज़ीद सख्त हो गई है, बिल्कुल ऑलमोस्ट 90 डिग्री से थोड़ी सी कम होगी। थकना तो अलग बात है, थकता तो बंदा है ही, लेकिन पट्ठों पे जो खिंचाव पड़ रहा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है नीचे से किसी ने टांगों को बांध दिया है और ऊपर चढ़ना मुश्किल हो रहा है उस चीज़ की वजह से। किसी भाई पीछे रह गए, मैं आगे आया हूँ और मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत रास्ते पे मैं आ गया हूँ। वो सामने की तरफ से जाना था लेकिन मैं इस तरफ भी हल्की पगडंडी बनी हुई थी और रास्ता भटक के मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे अब वापस नीचे को जाना पड़ेगा और वहाँ से वापस सीधे रास्ते पर जाएंगे। ओफ अल्लाह, ये बीच में से एक रास्ता है जो उस तरफ उस पगडंडी की तरफ निकलता है, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक है। मैं बिल्कुल बैठ के पत्थर के ऊपर से इसके ऊपर जा रहा हूँ, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है और बैठ के मैं उतर रहा हूँ अभी, खड़े होके बंदा यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह खैर, यहाँ से अगर बंदा स्लिप हो जाए तो सीधा नीचे गहरी खाई है, वहाँ जाके लगेगा, लिहाजा बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और इस रास्ते पे जब भी आप आएँ तो अकेले अगर आपको रास्ता नहीं पता तो जाने की हरगिज़ कोशिश ना करें। शुक्र है कि मैं वहाँ से नीचे आ गया, अब थोड़ा सा सीधा रास्ता है। कोशिश करें हमेशा कि गाइड के साथ यहाँ पे आएँ, क्योंकि एक ही जैसे रास्ते हैं, छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं, कोई भी रास्ता आपको किसी भी गलत तरफ ले जा सकता है और आप फंस सकते हैं। मैं शुक्र है लगा कि उस गलत रास्ते से वापस अपने ट्रैक पे आ गया हूँ। साथी हमारे अभी भी काफ़ी पीछे दूर तक नज़र नहीं आ रहे कहीं भी। मैं इधर आने के बजाय ये इन पत्थरों के पीछे दूसरी साइड चला गया था। अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैरियत से वापस यहाँ तक मैं आ गया हूँ, अभी अपने रास्ते पे लग गए। और ये रास्ते में कुछ फॉरनर्स भी मौजूद हैं जो हमसे पहले यहाँ आए हैं और यहाँ बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, शायद थक गए बहुत ज़्यादा। और अभी तो ये पहला हिस्सा है इस क्लाइम का। हेलो, यू आर कमिंग बैक और यू आर गोइंग अप? You're coming back down? Yeah, I'm down, but I'm not right to the top. Okay. Yeah, I quit midpoint. You, from midpoint you're coming back? Yeah. Well, it's hard? Yeah. I'm also going for the first time. First time. Okay, from where you are? You're from? Vietnam. Vietnam? Oh, good, good. ये आधे रास्ते से हाइक छोड़ के वापस जा रहे हैं, इनकी भी हिम्मत जवाब देगी। ये सारी लेडीज़ हैं और वियतनाम से आई हुई हैं यहाँ पे। इनके कुछ साथी ऊपर चले गए, ये कह रहे हैं कि यहाँ से मज़ीद 2 घंटे लगेंगे और हमारी हिम्मत नहीं है मज़ीद 2 घंटे चलने की, तो हम वापस जा रहे हैं। और सारा रास्ता इसी तरह का है, इनकी हालत देख के लग रहा है कि वाकई में आगे वाला रास्ता इससे भी मुश्किल होगा। चलो देखते हैं, अपने साथियों का इंतज़ार करते हैं, दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे, अल्लाह करे कि पहुँच जाएँ वापस। वापस उतरते हुए लोगों की क्या हालत होती है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। ये वो तीनों ख़वातीन वियतनाम की जो वापस जाते हुए बिल्कुल रास्ते में बैठ के और रिगड़ती हुई नीचे को जा रही हैं, क्योंकि खड़े होकर चलना इनके लिए मुश्किल हुआ हुआ है। काफ़ी ऊपर से बैठ के अपने आप को घसीटते घसीटते नीचे की तरफ जा रही हैं, क्योंकि बहुत ही खड़ी उतराई है और बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने आप को
कंट्रोल किया हुआ है ताकि स्लिप ना हो। और हमारे आसिफ भाई भी बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते चढ़ते आ गए हैं। ये बाकी दोनों का इंतज़ार करते हुए, ये भी बहुत लेट हो गए और इनकी वजह से मैं भी काफ़ी देर इनका इंतज़ार करता रहा। ये अभी पहुंच गए जी हम पहली इंतज़ार गाह पे, और यहाँ तक तकरीबन एक घंटे का ट्रैक हो जाता है और मज़ीद यहाँ से दो घंटे और लगेंगे। ये सामने आपको ट्रैक नज़र आ रहा है, वो पहाड़ी की पिछली चोटी, उसकी बैक साइड से होते हुए जाना है। यहाँ पहुँच के शदीद भूख का एहसास हो रहा है, तो हम अपने ड्राई फ्रूट्स निकालते हैं, जो खुबानी वगैरह, बादाम और अखरोट लेके आए थे वो हम खाएंगे। आसिफ भाई और क्या लेके आए हैं खाने के लिए? ड्राई फ्रूट है और बस बस अभी इसी पे गुजारा करना है। तकरीबन आधे रास्ते पे हम पहुंच चुके हैं, यकीन माने कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल बीपी लो हो चुका है। नाश्ता में बहुत लाइट करके आया था सुबह कि चलना पड़ेगा, उसकी वजह से भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और प्यास भी बहुत लग रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पी सकते क्योंकि हमने ये ऊपर खड़ी चढ़ाई भी चढ़नी है। आसिफ भाई वो ऊपर से जा रहे हैं, पहले मुझसे पीछे थे लेकिन मैं रास्ते में बहुत थक गया, वो मुझसे आगे हो गए। आसान हाइक नहीं है, जो लोग थोड़े से चलने में कमज़ोर हैं या सांस का प्रॉब्लम है या दिल के कमज़ोर हैं, हर किसी तरह ना है। हालत मेरी बिल्कुल पतली हो गई है, लेकिन इरादा पुख्ता है कि ऊपर मसरूर रॉक टॉप तक पहुँचना है, लिहाजा कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह टॉप पे हम जाएंगे और अपने सफ़र को जारी रखेंगे। ओह ये भी हम पहुंच गए इसकी जो दूसरी कयामगाह है वहाँ तक। यहाँ पे कुछ मज़ीद फॉरेनर्स बैठे हैं, ये भी वियतनाम का वही ग्रुप है शायद जिनके लोग आधे रास्ते से वापस चले गए थे। यहाँ पे थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे। और यहाँ पे लोगों ने अपने अपने विजिटर्स जो हैं अपने नाम वगैरह साइन किए हैं, जो भी ये यहाँ पे आते हैं जो ऊपर छत के ऊपर अपना कारनामा इज़हार करते हैं। आप लोग अभी वापस जा रहे हैं कि हुआ है ऊपर से? अच्छा अभी ऊपर जा रहे हैं, कितना टाइम लगा यहाँ तक? यहाँ से ऊपर एक घंटे का रास्ता। नबी आपको यहाँ तक कितना टाइम लगा? हम पहुँचता आहिस्ता आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे अच्छा अच्छा डेढ़ घंटा लगना चाहिए। सही सही, तो यहाँ से आगे कितना घंटा और घंटा एक और लगता है? तकरीबन घंटे का रास्ता मजीद यहाँ से और ऊपर है, और लग ऐसी रहा कि जिस तरह की खड़ी चढ़ाई हम चढ़ के आए वैसी चढ़ाई। ये भाई यहाँ के लोकल गाइड हैं जो इस ग्रुप को लेके इसको लीड कर रहे हैं ऊपर। यहाँ पे थोड़ी देर हम भी रेस्ट करेंगे। इन लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया, मैं चूँकि अभी पहुँचा हूँ, बहुत थका हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और उसके बाद फिर इनके पीछे पीछे इनके साथ अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ करेंगे। आसिफ भाई तो बहुत ही दूर निकल गए हैं। आसिफ भाई अल्लाह पूछे आपको, मुझे अकेले छोड़ के चले गए यहाँ पे। और मज़े की बात यह है कि सारा जो ड्राई फ्रूट वगैरह था वो भी आसिफ भाई के पास है, मेरे पास एक ही सेब बचा हुआ है, अभी वो खाऊंगा, थोड़ी एनर्जी बहाल करेंगे, थोड़ा सा पानी पियेंगे और फिर आगे जाएंगे। अल्लाह अकबर, आज एहसास हो रहा है कि वॉक को, हाइकिंग को, जॉगिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए, उसके बगैर बड़ा मुश्किल है सेहतमंद रहना। आज इस हाइक ने मुझे अपने अंदर जो वीकनेस है, कमज़ोरी है, उसको बिल्कुल खोल के सामने रख दिया है। मेन चीज़ ये है कि हाइट बहुत ज़्यादा है और अभी हम जिस जगह पहुँचेंगे वो तकरीबन
12,000 के लगभग है, 12,000 फुट की बुलंदी है। और इस बुलंदी के ऊपर हाइक करना बताते खुद एक बड़ा मुश्किल टास्क है। अगर आप किसी नीचे वाली जगह पे हाइक करते हैं, बेशक चढ़ाई चढ़ते हैं, वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं, इतना ज़्यादा आप नहीं थकते, लेकिन जब आप 12,000 फुट की बुलंदी के ऊपर पहाड़ चढ़ रहे हैं, और पहाड़ भी इस किस्म का कि जो बिल्कुल ऐसी सीधी चढ़ाई हो, 60-70 डिग्री एंगल हो, उसके ऊपर जब आप चढ़ रहे हैं, तो कुदरती बात है कि आप थकेंगे भी ज़्यादा, सांस भी ज़्यादा फूलेगी और एनर्जी भी ज़्यादा आपकी लगेगी। इसके बावजूद फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, वॉक को, जॉगिंग को, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएं ताकि आप फिट रहें, और किसी भी ऐसी मुहिम जुई पे अगर आपको जाना पड़े तो आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े और आप आराम से अपने तमाम तर शौक जो है वो पूरे कर सकें। चलें सफ़र का दोबारा आगाज़ करते हैं, दोबारा से एक दफ़ा फिर उसी ट्रैक के ऊपर चलते हैं जिसने हमें थका के चूर कर दिया है। और ये इन तक तकरीबन मैं पहुंच चुका हूँ, मुझसे काफ़ी पहले ही निकल गए थे। चढ़ाई का अंदाज़ा यहाँ से आपको हो सकता है कि किस कदर स्टेप बाय स्टेप ऊपर को हम जा रहे हैं वो उधर था, और यहाँ पे आके बंदे की बस हो जाती है। चलें, इस बात की कम से कम खुशी आ रही है आज कि चलने में अभी भी फॉरेनर से मैं ठीक हूँ। मेरे से काफ़ी पहले निकल गए थे, अभी उनमें से आधे लोगों को मैंने पीछे छोड़ दिया है, दो तीन लोग अभी आगे रहते हैं और इनका गाइड आ गया है, तो गाइड डेफिनेटली लोकल है और वो यहाँ पे आता रहता है, उससे तो आगे मैं नहीं हो सकता, लेकिन बाकियों से आगे हो जाऊँगा इंशाल्लाह। अभी हम तकरीबन ऊपर पहुँचने वाले हैं, 10 से 15 मिनट का रास्ता रह गया है, और रास्ते में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें मिली है। ये एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसके बीच में सुराख है और इसकी शेप बिल्कुल दिल की तरह है, इसको बोलते हैं हार्ट शेप रॉक। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हम जाके इधर से बाहर भी निकल सकते हैं, और यहाँ से आप देखें, और अगर इसको आप इस तरफ से देखें तो ये बिल्कुल दिल की शेप का ये इसके में सुराख हुआ है। यहाँ से हम वापस निकल के ऊपर जाएंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट का हमारा रास्ता रह गया है। रास्ते में मुझे शदीद टांग में मेरी तकलीफ़ होगी, क्रैम्प्स पड़ गए, काफ़ी देर मैंने रेस्ट किया उसके बाद अपना सफ़र शुरू किया, क्योंकि टांग मेरी बिल्कुल हिल नहीं रही थी, इतना शदीद क्रैम्प्स पेन मुझे शुरू हो गया। एक टाइम मुझे लग रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी कि मैंने दोबारा अपना सफ़र का आगाज़ किया। अब ये जो बड़ा पत्थर है इसकी बैक साइड में हमें जाना है जहाँ पे हमें मसरूर रॉक मिलेगा। और जी फाइनली हम पहुँच गए हैं मसरूर रॉक, और करवाते हैं आपको मसरूर रॉक का दीदार, जिसके लिए हमें 3-3.5 घंटे पैदल चला है। ये है वो नोकदार पत्थर स्कर्दू का जिसने आज मत मार दी हमारी। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं और दिखाते हैं आपको, अक्सर आपने वीडियोस में पिक्चर्स में देखा होगा, भी आपको दिखाते हैं इसका फ्रंट व्यू। वाह, यहाँ आके जो आपने तकलीफ बर्दाश्त की है, इस चढ़ाई चढ़ी है, यहाँ आके पैसा वसूल हो जाता है। दिखाते हैं आपको यहाँ से के तमाम एरिए का व्यू, क्या क्या यहाँ से नज़र आता है, क्या क्या नज़ारे हैं। और खुशकिस्मती हमारी है कि आज मौसम बहुत क्लियर है, चारों तरफ का व्यू एकदम साफ है। ये पीछे मसरूर रॉक, ये हमारे आसिफ भाई हमारे साथ किया धोखा, खाने पीने की सारी चीज़ें लेके गायब हो गए, और यहाँ पहुँचने वाले आज हम तीसरे, आसिफ भाई फर्स्ट आ गए। ये है जी वो मसरूर रॉक का नोकीला पत्थर जिसके ऊपर अभी आपको खड़ा हुआ ये बंदा नज़र आ रहा होगा, और क्या ही खूबसूरत और शानदार व्यू है, बहुत ही मज़े का। लेकिन इसके कोने पे जाना इंतहाई रिस्की काम है, मैंने कोशिश की आधे तक मैं गया, लेकिन नीचे देख के चक्कर आना शुरू होते हैं, और नीचे हज़ारों फुट गहरी खाई है,
जो आप ये सामने देख सकते हैं, और इस किस्म का रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहिए, लिहाजा दूर दूर से ही ठीक है। और अभी हम वापसी के रास्ते पे हैं, नीचे को उतर रहे हैं और सूरज तकरीबन ढल चुका है, शाम हो चुकी है, अंधेरा होने में कुछ ही वक्त बाकी है। तकरीबन 3-3.5 घंटे हमें ऊपर जाने में लगे, वापस आने में इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम गुजारा। और ये पहाड़ों की ओट में सूरज छुप चुका है, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि जब भी आप मसरूर रॉक की तरफ जाएं, इसका ट्रैक करें, तो रोशनी रोशनी में वापस नीचे ब्रोक तक पहुंच जाएं, ख़ास तौर पे सर्दियों में, क्योंकि अभी ही तकरीबन जूं ये सूरज ढला है तो शदीद सर्दी हो गई है, सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, हल्की हल्की हवा चल रही है और हवा ने मौसम को जो है वो मज़ीद ठंडा कर दिया है। तो अगर आप इधर आते हैं शाम के वक्त, अगर आना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि शाम के वक्त यहाँ ना आएँ, सुबह सुबह दोपहर के टाइम आएँ, ताकि शाम के टाइम आप उतर के अपने सफ़र को नीचे तक आसानी से जारी रख सकें, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है और अंधेरे में तो इस जगह से उतरना बिल्कुल अपनी जान से खेलने के मुतरादिफ है। ये आप देख सकते हैं कि किस किस्म की उतराई है, और मिट्टी है, रेत है, और छोटे छोटे कंकर हैं जिन वजह से आपके जूते जो है वो स्लिप हो सकते हैं। और जब भी आप यहाँ आएँ, बहुत अच्छी ग्रिप वाले शूज़ पहन के आएँ, क्योंकि बहुत स्लिपरी एरिया है, बिल्कुल एज पे चलना पड़ता है किसी किसी जगह। और ये नीचे ब्रोक जहाँ तक हमें जाना है, और वहाँ से सीधा रास्ता शुरू हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए जी इस ख़तरनाक ट्रैक से वापस नीचे, और अभी आगे बैठे हैं सीधी जगह पर आसिफ भाई और मैं। आसिफ भाई मुझसे 20 मिनट पहले पहुँचे और मैं अभी पहुंचा। कैसा लगा? मजा, फाड़ू ट्रैक है, फाड़ू ट्रैक। नीचे उतरते वक्त थोड़ा सा मसला हुआ? नीचे उतरते हुए भी उतना ही मुश्किल है जितना चढ़ते हुए मुश्किल है, क्योंकि आपको पूरी ब्रेक सप्लाई करनी पड़ती है, और वो ब्रेक सप्लाई करते हुए आपके घुटने जो है ना बिल्कुल जवाब दे जाते हैं, पूरा प्रेशर जो है वो आपकी ये पिंडलियों पे, पट्ठों पे, घुटनों पे होता है। लेकिन बहुत मज़ा आया, नो डाउट आपको आना चाहिए, जो भी थोड़ा बहुत हाइकिंग कर सकता है बैठ बैठ के आराम से आहिस्ता आहिस्ता जाएं, 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन मज़ा आ जाएगा ऊपर जाके, वर्थ इट ट्रैक है, ज़रूर आएं। लेकिन पानी, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट्स, कोई फ्रेश फ्रूट एक आध साथ ज़रूर साथ रख के जाएं, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की भी कमी होती है, थक भी बहुत जाता है बंदा, और भूख भी बहुत लगती है, और इन चीज़ों का ख्याल रखें। और सबसे ज़रूरी जो हमने नहीं किया कि हम स्टिक भूल गए, हाइकिंग स्टिक लाजमी अपने साथ रखें, तो आपका काम आधा आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और ट्रैक पे, किसी और मौके पे। अल्लाह हाफिज़।